My question first of all is that what do you know about the Heptameron? Heptameron means not fluent speech, means when a person speak influent not then he will known as stammer, and in stammering the person has ऐसे देख के दर्द हो गया जो दस वर्ष के राम हो गया सर हिंदी बताओ हाँ कभी हिंदी में ही हो रहा है हाँ बिल्कुल बिल्कुल किसी भाषा में हकलाना एक कोई रोग नहीं है बस एक आदत सी है जो हमारे माइंड में बैठ गई है और ये एक टाइप का डर भी है फियर है कि मैं बोल नहीं पाऊँगा ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है 90% साइकोलॉजिकल है और इसमें हकलाने वाला व्यक्ति अपने आप को बोलने से रोकता है या फिर जब बोलता है तब वो अपने आप को सहज महसूस नहीं कर पाता और इसलिए उसके शब्द साफ नहीं आते और अगर वो अपने अंदर के छुपे हुए डर को बाहर निकाल ले बाहर निकाल ले और वो अपने आप को एक्सेप्ट कर ले कि यस आई एम ए स्टमर देन तो वो देन ही विल बी क्योर्ड 95% What are the reasons that a person is known as a Heptameron? कौन से कारण हो सकते हैं कि जिसके कारण हमको हकलाना हो सकता है? फर्स्ट थिंग इज फियर सबसे बड़ी चीज स्टैमरिंग में होता है डर बोलने का कि अगर मैं बोलूँगा और बीच में बोलते हुए रुक गया या अटक गया तो फिर दूसरा जो सुनने वाला है तो उसको कैसा लगेगा इसीलिए आदमी जब बोलना शुरू करता है तो उसके अंदर उसके माइंड में एक टाइप का फियर बैठा रहता है डर कि उसको कैसा लगेगा इसी कारण से स्टैमिनिंग हो जाती है पहला तो है फियर डर में फियर ही है ज़्यादातर जैसे कि आप कल को या एक घंटे में आपको एक जॉब दिया गया है कि आपको किसी दूसरी कंपनी के सामने एक प्रेजेंटेशन देना है देन व्हाट विल बी योर रिएक्शन अबाउट दैट हाउ विल आई ओवरकम अच्छा मीन्स जाने से पहले कैसा फील होगा तो उस वक्त डर तो अगर हकलाने वाला व्यक्ति भी नहीं है
उसको भी डर लगेगा, ये वो भी सोचेगा कि उनके सामने कैसे बोलूँगा, हाउ विल आई स्पीक, उसके मन में भी होता है। बट वी आर स्टमर, तो हम में तो लगेगा ही। तो इसके लिए ऐसा है कि पहले से ही कई बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने कहा कि एक घंटे पहले, तो एक घंटा बहुत है, कोई बात नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करो और अपने मन को शांत कर लीजिए, जो होगा ठीक होगा, कोई नहीं हंसता है, क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया है, कोई अपने आप तो हम चाहते नहीं है कि हम अगले हैं, तो जो है आराम से निकलने दो, शब्दों को आराम से बोलना है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और फिर जब प्रेजेंट करेंगे, सबके सामने बोलेंगे, तब भी अगर हकलाते भी हैं कोई बात नहीं, तो जहाँ पर अटकते हैं वहाँ पर थोड़ा रुको और सांस लेके फिर से शुरू करो। ऑडियंस हमारी स्टैमरिंग को नहीं देखती, बल्कि हमारे टैलेंट को देखती है, क्या टैलेंट है। इसलिए अपनी स्पीच के साथ साथ अपने टैलेंट को भी सुधारो, ताकि लोग हमारे स्टैमरिंग पर ज़्यादा ध्यान न दें, पर टैलेंट पर ज़्यादा ध्यान दें। अगर आप एक स्टैमरर ना होते और आप एक स्टैमरर से मिलते, तो आप उससे बातचीत करने के बाद आपका उसके प्रति क्या रिएक्शन होता है, या आपके मन में क्या फीलिंग्स होती है उसके बारे में? अगर मैं स्टैमरर ना होता तो मैं यहाँ पर भी ना आता, और तो मैं स्टैमरिंग के बारे में भी शायद कुछ भी नहीं जान पाता, और क्या पता शायद मैं उस पर हंसता और फिर या उसको अप्रिशिएट करता, और बाद में रिएक्शन मुझे नहीं पता क्या होता, अच्छा भी हो सकता था, बुरा भी हो सकता था। If you have ever attended a modeling show, then you will be knowing that after the ramp show there is a question round, and if you are selected in the ramp show and you are at the top list in the ramp show, but you are not able to, you are not able to face the question round because you feel that I will serve a timer, then what will you feel about yourself? मैंने अगर क्वेश्चन राउंड में सेलेक्ट हो गया और फिर मुझे लगता है कि मैं तो हकलाता हूँ, तो क्या होगा? तो कोई बात नहीं, जब वो जो जज होते हैं वो जब क्वेश्चन करेंगे, तो पहले ही उन्हें बता दूंगा कि
मुझे स्टैमरिंग होती है तो मुझे थोड़ा टाइम दें और पहले भी कहा था कि अगर टैलेंट हो तो कमियां हमारा रास्ता नहीं रोकती। क्या बात।